आदित्य सचदेव हत्याकांड में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा आरोपी रॉकी देर रात गिरफ्तार। पिता बिंदी के हॉट मिक्स प्लांट में छिपा था रॉकी। आदित्य हत्याकांड में 3 दिन से रॉकी की तलाश में थी गया पुलिस। रॉकी के पिता बिंदी यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की खोखली दलील, कहा वारदात की रात गया में नहीं था बेटा रॉकी यादव, जेएनयू का छात्र है आरोपी रॉकी। रोड रेज की घटना में छात्र आदित्य की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने गया में बुलाया बंद। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पटना में भी प्रदर्शन। उत्तराखंड में बागियों को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। बागी 9 कांग्रेस विधायक नहीं डाल सकेंगे आज वोट। उत्तराखंड में आज होगा विधानसभा में हरीश रावत सरकार की अग्नि परीक्षा, बागियों के बाहर होने से हरीश रावत को राहत। देहरादून में शाम 4 बजे से धारा 144 लागू, आज विधानसभा में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक। शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हरिद्वार में की पूजा। घाटी में सैनिक कॉलोनी की योजना पर घमासान, उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्रालय की चिट्ठी का किया खुलासा, महबूबा सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। महबूबा सरकार का दावा, सैनिकों को आवासीय परियोजना में भूमि आवंटित नहीं की गई और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना। बुखार की वजह से राहुल गांधी का तमिलनाडु और केरल दौरा रद्द, राहुल के दफ्तर ने ट्वीट कर दी जानकारी। रविवार से बीमार हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, डॉक्टर ने दी आराम की सलाह। त्रिवेंद्रम में चुनावी रैली में भावुक हुई सोनिया, कहा हिंदुस्तान से मेरा प्यार नहीं छीन सकते पीएम, भारत मेरा घर है, यही लूंगी आखिरी सांस। सोनिया गांधी ने खुद को बताया भारतीय, बोली मरने के बाद मेरी अस्थियां भी यहीं की मिट्टी में मिल जाएंगी। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश बताएं बिहार में कैसे बिगड़ी कानून व्यवस्था, विधायक बेटे को जेडीयू से निलंबित करने से खफा है तस्लीमुद्दीन। दिल्ली से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध साजिद के मोबाइल से बड़ा खुलासा, मसूद अजहर के भाई को मैसेज भेजकर पाकिस्तान जाने का था प्लान, फोन रिकॉर्ड से मिले पाकिस्तानी नंबर। दिल्ली पुलिस ने सशर्त 10 जैश संदिग्धों को छोड़ा, 13 संदिग्धों की हुई थी गिरफ्तारी। टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी का दिल्ली में जल निगम बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन, 400 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में निकाली साइकिल रैली, चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में अभी से भरा जोश। जयपुर पुलिस ने ठगी के 7 लाख रुपए सहित दबोचे 2 महिला शातिर ठग, एक नायब तहसीलदार को सीडी का डर दिखाकर कर रही थी, लोगों से फोन पर प्यार भरी बातें रिकॉर्ड करके ऐंठती थी पैसा, महिलाओं का दावा उनके पास राजस्थान के सचिवालय अधिकारियों की भी है रिकॉर्डिंग। लुधियाना में दर्जन भर बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे पर किया धारदार हथियार से हमला, जख्मी फैक्ट्री मालिक निजी अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत के सहरा मऊ के निजामपुर गांव में घुसा भालू, घंटों की मशक्कत के बाद भी भालू को पेड़ से नहीं उतार पाई वन विभाग की टीम। जालंधर शहर की एक पार्किंग में खड़ी कार में लगी आज भयानक आग, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नवी मुंबई के फेमस बिल्डर राज कंदारी ने की आत्महत्या की कोशिश, अपने घर में खुद पर चलाई गोली, एमजीएम अस्पताल में भर्ती बिल्डर राज। पुणे में एफटीआई के बाद राणा डे इंस्टीट्यूट को भेजा गया डेटोनेटर वाला पार्सल, इंस्टीट्यूट के एचओडी ने लिखाई एफआईआर। यूपी के बांदा में बडेरा गांव के किसान की सदमे से मौत, फसल की पैदावार कम होने से तनाव में था किसान अमर सिंह। दिल्ली के रानीबाग इलाके में खुले नाले में गिरे 2 बच्चे, स्थानीय लोगों ने 13 साल के बच्चे को बचाया, 5 साल का बच्चा लापता। शिप्रा नदी में बहा सिंहस्थ की शाही स्नान में डुबकी लगाने गया युवक, गोताखोरों ने डूबते युवक को सुरक्षित बचाया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में लगा मर्करी ट्रांजिट देखने वालों का तांता, सैकड़ों लोग बने दुर्लभ खगोलीय घटना के गवाह। देश भर में लोगों ने देखी मर्करी ट्रांजिट, जगह जगह पर लगाई गई दूरबीन, साइंस के स्टूडेंट्स ने ली खास दिलचस्पी। जोधपुर में सारथी ट्रस्ट ने निरस्त कराए कई बच्चियों के बाल विवाह, बालिका वधुओं की पढ़ाई लिखाई में मदद करती है संस्था।
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग, मिदनापुर लालगढ़ रोड पर लगाया जाम। आसनसोल में सीसीटीवी में कैद हुआ मोबाइल चोरी करता हुआ केंद्रीय बल का जवान, दुकान मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के द्वारका में पकड़ा गया फर्जी पुलिस अधिकारी, खुद को आईपीएस बताकर करता था ठगी। मथुरा के नीम गांव में ग्रामीणों ने पीट पीट कर ली दो बाइक सवार लोगों की जान, पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ से लूट कर लौट रहे थे बाइक सवार। राजस्थान के सवाई माधोपुर के महू गांव में विवाहिता के साथ गैंगरेप, पीड़िता गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने समाजसेवी आलोक सागर को राजनीतिक दबाव में दी जेल में डालने की धमकी, आदिवासी हितों के लिए काम करते हैं आलोक सागर, दिल्ली आईआईटी में रह चुके हैं प्रोफेसर। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में बस अड्डे पर मिला लावारिस सूटकेस, बम होने की खबर के बाद मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। मोहाली में रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर ने पंजाब को एक रन से हराया, दोनों टीमों के बीच आखिरी गेंद तक कांटे की टक्कर। पंजाब को आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे चार रन, जॉर्डन की गेंद पर दो रन ही बना सके स्टॉइनिस। बैंगलोर ने पंजाब के सामने रखा था 176 रन का लक्ष्य, पंजाब की टीम चार विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। बैंगलोर की तरफ से डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 89 रन, पंजाब के कप्तान मुरली विजय के 89 रनों की तूफानी पारी गई बेकार। आज विशाखापट्टनम में पुणे का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। नीलामी से पहले मीडिया के सामने पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, 15.38 कैरेट का है यूनिक पिंक हीरा, हफ्ते भर बाद $38 मिलियन में नीलामी की उम्मीद। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग के वैज्ञानिकों ने सबवे स्टेशन पर छोड़ी हानि रहित गैस, आतंकवादी हमले के समय नुकसान का जायजा लेने के लिए की गई मॉकड्रिल। पेरू के अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकॉर्डो टेरेस ने 8वीं बार की पेड़ से शादी, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इराक के अनबार प्रांत में अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया आईएस का टॉप टेररिस्ट अबू वाहिद, पेंटागन ने की वाहिद की मौत की पुष्टि। दक्षिण चीन में ग्वांगझू प्रांत में बाढ़ से खराब हालात, फायर फाइटर्स ने 500 लोगों को सुरक्षित बचाया।